Hi everyone, welcome to my channel. Today I would be talking about class 12th history chapter 5 that is through the eyes of travelers' perceptions of society. And this is part 1 of the chapter. In this, I would be talking about Al Biruni and his famous work Kitab ul Hind and the major key concepts of the chapter. And on part 2, next video, I would be talking about Ibn Battuta and Francois Bernier. So, let's begin. मैनी फॉरन ट्रेवलर्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग मिडीवियल पीरियड केम टू इंडिया फॉर सेवरल मोटिव कुछ फॉरन ट्रैवलर्स आए थे जब मिडिवियल हिस्ट्री थी मिडिवियल इंडिया था तब आए थे वो क्यों आए थे टू नो द रिलीजियस बिलीफ ऑफ इंडिया टू नो अबाउट मोन्यूमेंट्स अबाउट इंडियाज़ आर्किटेक्चर रिलीजियस बिलीफ सुपरस्टिशियस बिलीफ ऑल दे वॉन्ट टू नो अबाउट इंडिया सो मोस्ट ऑफ द ट्रैवलर्स केम टू इंडिया रोड देर अकाउंट्स फिर वो ये सब कुछ एक अपने बुक में एक अकाउंट बना लेते थे जो भी वो इंफॉर्मेशन इंडिया के बारे में देखते थे या लिखते थे अस्पेक्ट समील विदेयर कोर्ट वेर एज अकाउंट्स आर फोकसड ऑन रिलीजियस इशूज देन समेट अबाउट द कंटेम्प्रेरी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एंड मोन्यूमेंट्स वेर एज अदर डिपिक्स दोशल इकनॉमिक लाइफ कुछ जो ट्रैवलर्स के अकाउंट्स थे वो कंटेम्प्रेरी साइकिल के बारे में बताते थे स्टाइल के बारे में कि कैसा था आर्किटेक्चर इंडिया का मॉन्यूमेंट्स कैसे थे स्कल्पचर्स के एनग्रेविंग कैसी थी ये सब कुछ जानने के लिए फॉरेन से ट्रैवलर्स आते थे टू नो द रिच कल्चर ऑफ़ इंडिया Then Al Biruni, a great scholar of Central Asia, came to India in the 11th century. He was a great scholar. He has passion for learning. That is why Al Biruni was born on 4th September 1973 at Kwasiram in Uzbekistan and he was well versed in many languages. Languages such as Arabic, Persian, Hebrew and Sanskrit were known to him. कंसेप्ट हैज थ्रोन अ लाइट ऑन कास्ट सिस्टम इंडिया के कास्ट सिस्टम हिंदूज़ का जो कास्ट सिस्टम था उसके बारे में अलबिरूनी ने बात की थी लिखा था अकॉर्डिंग टू अलबिरूनीज डिस्क्रिप्शन इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन वॉज वेरी गुड अकॉर्डिंग टू अल्बिरूनी एंड देन अलबिरूनीज रियल नेम वॉज अबू अब्दुल्ला मोहम्मद ही वॉज फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग एंड वॉन्टेड टू इंक्रीज हिज नॉलेज बाय एस्टेब्लिशिंग हीज कॉन्टेक्ट विद द पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एज आई टोल्ड यू बिफोर ही वॉज अ great learner he loved to learn about new countries about their new architecture monuments about their rich culture so albiruni was very much interested in india he travelled for thirty years of his life. then the great traveller of morocco died in thirteen seventy seven but the account written by him rilla is of immense wealth. After returning to Morocco in 1354, he, Ibn Battuta, Ibn Battuta wrote Rihal, Rila. It was ceremoniously welcomed by Sultan Abu Iram. Sultan Abu Iram appointed Ibuzu Zay to help Batuta to compile his account, Rila. Rila was written in Arabic. In it, describe whatever he saw in India. Undoubtedly, Rila is... कंसिडर्ड एज एन इन वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री इन फोटीन सेंचुरी जो भी रीला में लिखा गया अब्न बतूता के द्वारा वो सब कुछ अन वैल्यूएबल सोर्स की तरह माना गया क्योंकि उसमें इतना क्रक्स नहीं था मेन पॉइंट्स नहीं थे उस टेक्स्ट के बारे में इंडिया की इनोवेशन के बारे में या इंडिया के कल्चर के बारे में इतना नहीं था तो उसको इन सोर्स कह दिया गया था नेक्स्ट इज फ्रेंसोइ बर्नियर वॉज अ फ्रेंच ट्रैवलर हु केम टू इंडिया इन सेवनटीन सेंचुरी एंड बर्नियर वॉज़ अ ग्रेट फ्रेंच डॉक्टर फिलोसोफर एंड एंड हिस्टोरियन हु रिमेन इन इंडिया फ्रॉम सिक्सटीन फिफ्टी सिक्स टू सिक्सटीन एटी एट एंड रोट हीज फेमस बुक एंड टाइटल ट्रेवल्स इन द मुगल कोर्ट तो एक बर्नियर नाम का फ्रेंच ट्रैवलर था वो इंडिया में आया कब आया सेवनटीन सेंचुरी में आया और उन्होंने एक फेमस बुक लिखी जिसका नाम था ट्रेवल्स इन द मुगल कोट देन बोनिया हैज़ गिवन अ ग्रेट डिटेल ऑफ अबाउट इंडियन कारखाना टाउन लैंड ओनरशिप के बारे में बात की सोशल इविल एग्जाम्पल सती सिस्टम सती सिस्टम को हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट सेकेंड में मैंने बहुत डिटेल में इसको बताया है अब्दुल रजाक द ग्रेट इरानियन स्कॉलर केम टू इंडिया इन फिफ्टीन सेंचुरी तो इसमें यही दिया हुआ है कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स आते गए इंडिया को स्टडी करने के लिए उसके रिच कल्चर के बारे में जानने के लिए आप अगर नाम भी याद कर लोगे तो इट्स इनफ बट जो तीन मेन ट्रैवलर्स हैं उसके उनके बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए दैट इज़ अलबिरूनी इब्न बतूता एंड फ्रेंकोइज बर्नियो नाउ अमंग द अदर इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स हु केम टू इंडिया इन मिडिवल पीरियड वॉज एंटोनियो पीटर जीन फ्रांसिस्को एंड निकोलो सो ये आप नाम याद कर लेना then our knowledge of the past can be enriched through the descriptions of social life provided by travelers who visited the subcontinent. अगर हमें past के बारे में जानना है India के rich culture के बारे में जानना है तो जो भी description दिया गया है social life की travelers के account में जो travelers आए थे वो India के बारे में काफ़ी कुछ लिख के गए थे economic life के बारे में architecture के बारे में तो हमें जब भी किसी past के बारे में पढ़ना हो India के बारे में तो स्कॉलर्स ऑफ इंडिया ऑलवेज गो थ्रू द पास हिस्ट्री रिटन बाई ट्रैवलर्स कि उन्होंने हमारे बारे में क्या लिखा हमारी रिच कंट्री हमारी रिच जो हैरीटेज है इंडिया का वो कैसा था आर्किटेक्चर कैसा था जनरली दे रिकॉर्डिड एवरी डे एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिस ऑफ कॉमन मैन अलॉन्ग विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द किंग्स जनरली वो कॉमन डे की जितनी भी कॉमन मैन की कोई रेगुलर एक्टिविटीज़ होती थी उसको भी नोट करते थे और आसपास जो भी चीज़ें घटनाएं इंसिडेंट होते थे उनको भी अपने अकाउंट में नोट करते थे अलबिरूनी इब्न बतूता एंड फ्रेंकॉस बर्नियर वर द थ्री फेमस ट्रैवलर्स हु विजिटेड द सब कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट मीन्स इंडिया फ्रॉम इलेवन टू सेवनटीन सेंचुरी नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर अलबिरूनी एंड किताबुल हिंद Al Biruni was born in 973 at Khwaziram in present-day Uzbekistan. He was well versed in different languages as I told you. He has passion for learning so he was very well versed in different languages such as Syriac, Arabic, Persian, Hebrew and Sanskrit. In 1017 with the invasion of Khwaziram he arrived in Ghazni as a hostage but gradually developed a liking for the city and interest for India. जब वो ख्वाजिरम आया गजनी मोहम्मद गजनी आप हिस्ट्री में पढ़ोगे मोहम्मद गजनी के बारे में हु तब अलबिर का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया था इंडिया में और ही वॉन्टेड टू एक्सप्लोर अबाउट इंडिया मोर सो व्हेन द पंजाब बिकेम अ पार्ट ऑफ गजानीवाद गजना विद एम्पायर ही ट्रेवल वाइडली इन पंजाब एंड अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया तो जब पंजाब एक पार्ट बन गया गज़ानविद एम्पायर का तो अलबिरून ने क्या किया ही ट्रैवल्ड वाइडली इन पंजाब और अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया टू नो मोर अबाउट इंडियन कल्चर ही स्पेंड इयर्स इन द कंपनी ऑफ़ ब्राह्मण प्रीस्ट एंड स्कॉलर्स बाई लर्निंग संस्कृत एंड स्टडिंग रिलीजियस एंड फिलोजोफिकल टेक्स्ट एज आई टोल्ड यू बिफोर अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा सेकेंड चैप्टर उसमें मैंने अच्छे से डिटेल में बताया है थर्ड चैप्टर सॉरी थर्ड चैप्टर उसमें मैंने डिटेल में बताया है हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर में कि कैसे ब्राह्मण्स जो थे वो डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट लिखते थे मनुस्मृति दैट इज डिनोटेड एज धर्मशास्त्राज एंड धर्मसूत्राज गिवन बाय ब्राह्मण्स जो सोशल लाइफ और लाइफ ऑफ कंडक्ट सोशल लाइफ ऑफ कंडक्ट के बारे में लिखते थे कि इंसान को ऐसे काम करना चाहिए वर्नास के वरनास के फॉर्म में डिवाइड कर दिए गए थे फोर क्लासेस स्टेटस बाय बर्थ ऐसे डिफ़ाइन होता है स्टेटस ये सब कुछ ब्राह्मण ही लिखते थे वो सबसे ज़्यादा मेजर ऐसे मान लो मेजर सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल इंसान कोई था तो वो ब्राह्मण को डिनोट करते हैं ब्राह्मण वार द मोर मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सनस ऑफ दैट टाइम बरूनी रोट किताब उल हिंद इन अराबिक इन सिम्पल एंड ल्यूसड मैनर इट इज़ अ वॉलिनस टेक्सट ये एक बुक लिखी अलबिरूनी ने किताब उलिंद इसमें एट्टी चैप्टर्स थे और डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन फ़िलासफ़ी फेस्टिवल एस्ट्रोनॉमी अलकायी मेट्रोलॉजी इकनोग्राफी लॉज इन सब के बारे में इन्होंने लिखा था और एट्टी चैप्टर्स में ये इतनी बड़ी बुक थी कि इसके एट्टी चैप्टर्स थे And Al Biruni was familiar with translations and adaptations of Sanskrit, Pali, and Prakrit texts into Arabic. However, he was also critical about the ways in which these texts were written and clearly wanted to improve on them. Now, Al Biruni's view about Indian society.

तो इस चीज़ के लिए इन्होंने बताया है कि संस्कृत बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी अराबिक और पर्शियन से इसके आइडियाज़ और कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा अलग थे जिसको हम है ना इज़िली ट्रांसलेट नहीं कर सकते वन लैंग्वेज टू अनदर देन अल बिरूनी ट्राई टू एक्सप्लेन द कास्ट सिस्टम बाई कम्पेयरिंग इट विद अदर सोसाइटीज़ जो इंडिया की कास्ट सिस्टम है उस उनको उसको भी इन्होंने कंपेयर करने की कोशिश की अदर सोसाइटीज़ से And then he tried to suggest that social divisions were not unique to India. Albiruni depended on the Vedas, Puranas and Bhagavad Gita, the works of Patanjali, the Manusmriti. Manusmriti, as I told you before, it's about Dharam Shastras and Dharam Sutras defined and written by Brahmanas. Sanskrit texts laid down the rules of caste system from the point of view of Brahmins, but in real life the system was not so क्वाइट नॉट सो वॉज नॉट क्वाइट सो रिजिड जितना ब्राह्मण्स ने संस्कृत में लिखा है टेक्स्ट में लिखा है कि ऐसे रहना चाहिए ह्यूमंस को ऐसे ये सब कुछ कोड ऑफ कंडक्ट लेना चाहिए ये सब कुछ फॉलो करना चाहिए डिवोट होना चाहिए डिवोटड होना चाहिए इतना ज़्यादा वो रिजिड नहीं था रियल लाइफ में अब आगे बढ़ते हैं मैं आपको इसमें ये बता दूँ कि जो अलबिरूनी है इन्होंने जो किताबुल हिंद लिखी थी ये एक मेजर आपका अलबिरूनी के बारे में सबसे मेजर इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अभी हमने बात की है और उसके बाद अलबिरूनी क्या सोचते थे इंडियन सोसाइटी के बारे में उसके बारे में मैंने आपको ये कुछ छोटे पॉइंट्स दिए हैं एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत सिंपल चैप्टर है तो आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर में बस आप इस वीडियो को देख लो और पार्ट सेकंड को ज़रूर देखना क्योंकि पार्ट सेकंड में मैंने इब्न बतूता एंड फ्रेंकोइस बर्नियर के बारे में बताया है एज़ वेल एज वुमेन की कंडीशंस के बारे में व्हाट वाज सती सिस्टम्स ये सब के बारे में और कैसे वो अबॉलिश हो होना चाहिए था इस बारे में कैसे बर्नियर ने बात की थी ये एक इविल सिस्टम की तरह ट्रीट किया गया था सो दैट्स इट फॉर टूडेज़ वीडियो आई होप यू लाइक द वीडियो और कैसा लगा वीडियो एंड वॉट ऑल सजेशंस यू कैन गिव टू मी प्लीज़ कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फर्गेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन विद द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड वेन एवर आई पोस्ट अ न्यू वीडियो थैंक यू सो मच